तो डिवाइडेड बाय साइन 30 का मान कितना देखो, और कॉस 30 का मान, और इसका वर्ग, क्योंकि कॉस स्क्वायर 30 का मतलब होता है कॉस 30 का वर्ग। ये आ गया 5 गुना 1 बटा 4 प्लस 4 गुना 4 बटा 3, इसे भाग कर रहा है माइनस 1, इसे भाग कर रहा है 1 बटा 4 प्लस 3 बटा 4, आ जाएगा एलसीएम 12, 4 दिया 12, 5 दिया 15, 3 चौक 12, 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 1 माइनस 12, क्योंकि इसके बटे में जब 1 लोगे तो 1 से 12 12 भाग करोगे, चाहे आप ऐसे समझ लो कि इसको भी 12 से ऊपर लीजिए, डिवाइडेड बाय ये आ गया 4 1 प्लस 3, ये कितना आ गया 5 4 9 7 माइनस 12 बटे 12 डिवाइडेड बाय 4 बटे 4 4 बटे 4 टेन स्क्वायर, इसका मतलब है 2 10 3 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 2 गुणा 10 30 का मान हम जानते हैं, भाग करेगा 1 प्लस 1 बटे वर्गमूल 3, वर्ग लग रहा है तो वर्ग लग रहा है, याद है 2 बटे वर्गमूल 3 को भाग कर रहा है 1 प्लस 1 बटा 3, ये हमारे पास आएगा 2 बटा वर्गमूल 3 को भाग कर रहा है 3, एलसीएम मिलेंगे कितना आया 3 प्लस 1, ठीक है ये आया 2 बटे वर्गमूल 3 को भाग कर रहा है 4 बटा 3, 2 बटे वर्गमूल 3 ये गुणा हो जाएगा 3 बटा 4, 2 ये आ गया 3 बटे 2 वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 से घर का परिमकरण कर दिया तो आ गया 3 वर्गमूल 3 बटे 2 गुणा 3 से 3 कट गया वर्गमूल 3 बटे। अब हमारे पास चार ऑप्शन है, साइन 60 कॉस 60 टेन 60 टेन साइन, अब बताओ इनमें से किसका मान है वर्गमूल 3 बटे, साइन 60 का है पहला ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि आप हल तो निकालोगे, हल निकालने के बाद भी उत्तर नहीं मिलता है, आपको हल देख के आइडिया लगाना होता है, दिमाग लगाना होता है। जैसे थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं साइन 2a बराबर 2 साइन, कह रहे बताओ कौन से कोण के लिए ये सत्य है, और मान कौन कौन से दिए कोण के, पहला मान दिया है 0, दूसरा मान दिया है 45, तीसरा मान दिया है दूसरा 30 है, 45 60 चौथा 60, तो लगा लगा के देखो, पहला मान लगा के देखो साइन 2 गुणा 0 बराबर 2 गुणा साइन 0, और साइन 2 गुणा 0 साइन 0 बराबर 2 साइन 0, साइन 0 का मान 0, और 2 गुणा साइन 0 का मान 0 0 बराबर 0, हमने देखा LHS बराबर आया किसके लिए आया, फॉर ए बराबर, ये आपका आंसर, क्योंकि उसने यही कहा था कि ये जो मान आपको दिया है ये समीकरण ये बराबर है एक एक किस मान के, अब आप बाकी के लिए अगर चेक करोगे तो बराबर नहीं आएगा। चलो चेक करते हैं, फॉर ए बराबर 30 डिग्री के लिए चेक करो कितना आ जाएगा, साइन 2 गुणा 30 2 गुणा साइन 30 साइन 60 डिग्री और 2 साइन 30 डिग्री, 2 क्योंकि बाहर है तो अंदर जाकर गुणा नहीं कर सकता, वो ब्रैकेट थोड़ी है, साइन साइन 30 अपने आप में एक पद है, तो 2 अगर बाहर है साइन के तो ये कोण को गुणा नहीं करेगा, हाँ ये कोण के अंदर है तो इसलिए इसको इसमें गुणा कर दिया, साइन 30 का मान साइन 60 का मान वर्गमूल 3 बटे 2, साइन 30 का मान 1 बटे 2, ये आ गया वर्गमूल 3 बटे 2, हम देख रहे हैं LHS जो था वो बराबर नहीं आ रहा LHS, इसका मतलब ये वाला मान A का ये मान लेने पर ये जो समीकरण है ये संतुष्ट को नहीं, वास्तव में आ गया, तो पहले वाला नहीं कर दिया, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वरना मैं एक एक करके सब चेक कर दे, उसने कह दिया है कोई एक इसमें से संतुष्ट होता है, समझ आ गई बात,
आगे बढ़ते हैं। चौथा वाला बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे पहला और दूसरा है, तीसरा हमने करा दिया। अब देखिए चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है, उसके अलावा कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है। पहला पार्ट है साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस बी, ये सत्य है या असत्य हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, चेक करते हैं। मान लो ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री, लेना साइन 30 प्लस 60, अगर ये सत्य है तो सभी मानों के लिए सत्य होगा ना, तो हमने अपनी मर्जी से दो मान मान लिए यहाँ पर, साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 90 डिग्री बराबर 1 बटा 2 प्लस वर्गमूल 3 बटा 2, ये एक होता है, यहाँ दो ऐसे में लोगे एक प्लस वर्गमूल, हम देख रहे हैं कि LHS बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, यह है कथन कैसा है, शेर आया वाली कहानी सुनी है जिसमें शेर आ जाता है लेकिन शेर नहीं आता, आदमी मर जाता है, क्योंकि शेर क्यों नहीं आता, गांव वाले समझते हैं कि भाई ये तो हर बार ऐसी झूठ बोलता है, तो असत्य का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अगर एक बार झूठ बोल रहा है तो वो झूठा हो गया, उसके बाद वो 1,00,000 बार सच बोलता है, अगर एक बार झूठ बोला है उसने तो वो झूठा हो गया, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए बहुत अच्छा बच्चा है और एक बार उसने कुछ गलत किया तो वो जिंदगी भर के लिए गलत हो गया, ठीक है। भाई महाराजा हरिश्चंद को सत्यवादी राजा हरिश्चंद कहा जाता है ना, सच बोलने वाले युधिष्ठिर भी थे, सत्यवादी राजा युधिष्ठिर क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि उन्होंने जीवन में एक ही झूठ बोला था, अश्वत्थामा मारा गया, बोला था, अरे सुनाया नहीं ये कहानी, एक झूठ बोला तो वो सत्यवादी से हट गया, नहीं तो सत्यवादी वही थे। और राजा हरिश्चंद जो थे उनका सब कुछ चला गया, बेटा भी जाने वाला था, लेकिन वो सच का साथ उन्होंने नहीं दिया। तो जो आदमी सच्चा है वो जीवन भर सच्चा रहता है, और जो झूठा है वो झूठा रहता है, और जो कहे मैं सच्चा भी हूँ लेकिन कभी कभी मैं झूठ बोल लेता हूँ, तो इसका मतलब वो बच्चा झूठा है। ऐसे ही गलत में चलता है, अगर कोई स्टेटमेंट किसी एक मान के लिए गलत है तो वो गलत है, चाहे वो लाखों मानों के लिए सत्य है। जबकि यहाँ पर अगर ए का मान जीरो और बी का मान जीरो लगाओगे तो जीरो प्लस जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, और साइन जीरो प्लस साइन जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो बराबर जीरो, एल एच एस बराबर आ जाए, पता नहीं और भी बहुत सारे मान होंगे जिसके लिए बराबर आ जाएगा, लेकिन हमें वो ढूंढना है कि ये सभी मानों के लिए सत्य होना चाहिए। गणित में कोई स्टेटमेंट अगर सत्य है तो वो, अब आपको क्या ढूंढना है सत्य है तो, कि कोई ऐसा मान होना नहीं चाहिए जिसके लिए असत्य है, अगर असत्य है तो कोई एक मान ढूंढ लो, जैसे हमने यहाँ पर ढूंढ लिया, देखो इसके लिए सत्य है, इसके लिए सत्य तो ये सर्वसमिका नहीं, एक शब्द होता सर्वसमिका, सर्वसमिका के अंदर सर्वसमिका जो वेरिएबल होता है कोण होता है वो सभी मानों के लिए सत्य होती है, ये सर्वसमिका नहीं है, क्योंकि ये कुछ मानों के लिए सत्य है कुछ मानों के लिए असत्य है। बात समझा दी, आगे अगला पार्ट, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि, थीटा में वृद्धि होगी कैसे ये देखो, अभी रुक जाओ, ये है थीटा और बड़ा हो गया थीटा और बड़ा हो गया थीटा, जैसे जैसे ये बिंदु इसके पास जाता जाएगा ये थीटा और बड़ा होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है, तो अगर हम कहें साइन जीरो का मान जीरो, साइन तीस का मान एक बटा दो, साइन साठ का मान वर्गमूल तीन बटा दो, और साइन नब्बे का मान तीन, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी आप देख रहे हैं थीटा बढ़ता चला जा रहा है और साइन थीटा का मान भी बढ़ता जा रहा है। और एक बात, जैसे जैसे ये इसके पास जा रहा है तो साइन थीटा होता कितना, लंब बटे कोण बढ़ाने का मतलब यही तो हुआ, भाई किसी कोण को अगर आप बढ़ाओगे ये छोटा कोण और पास में ले जाओ और पास में ले जाओ, हम देख रहे हैं जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है
कण का मान जो है वो कम होता जा रहा है, और साइन थीटा होता कितना है, लंब बटे लंब पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो हर है वो हर लगातार छोटा होता चला जा रहा है। तो जब किसी भिन्न का हर छोटा होता है उसका हर उसका जो संपूर्ण मान है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे एक बटे दो लिखा है, एक बटे चार है, अब एक बटे चार और एक बटे दो में कौन बड़ा है, एक बटे दो, क्योंकि यहाँ एक को दो भागों में बांटा है और यहाँ एक को आपने चार भागों में बांटा है, तो दो भागों में जो बांटा है वो बड़ा है। देखो इतना बात समझा रही, तो ऐसे ही जब किसी के हर का मान बढ़ता है तो संपूर्ण का मान घटता है, और अगर हर का मान घटता है तो संपूर्ण भिन्न जो है उसका मान बढ़ता है। तो आप ये देखिए कि धीरे धीरे थीटा का मान बढ़ाने पर कण का मान कम हो रहा है, और कण का मान कम होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता जाएगा। तो आप इस बात को कह देंगे कि ये बात सत्य है, उदाहरण हम लिख के दिखा दें कि जैसे जैसे हम थीटा के मान को बढ़ा रहे हैं, जीरो से तीस किया, तीस से पैंतालीस किया, पैंतालीस से साठ किया, साठ से सौ किया, जीरो से नब्बे के बीच में देखेंगे, ठीक है। थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस के मान में वृद्धि होती है, असत्य, क्योंकि कॉस जीरो बल होता है ना, और कॉस तीस बल मूल तीन बटे दो होता है, ये तो बढ़ गया या कम हुआ, कम हो गया। कॉस जीरो जो है जीरो एक, कॉस तीस बल मूल तीन बटे दो एक पॉइंट सात तीन दो बटे दो जीरो पॉइंट समथिंग आ रहा है, कम हो गया नहीं, और लास्ट में कॉस नब्बे कितना होता है, जीरो। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे कॉस में थीटा का मान बढ़ रहा है तो पूरे कॉस थीटा का मान कम हो रहा है, कॉस जीरो है क्या, कॉस नंबर जीरो, ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखो भाई कॉस होता क्या है, आधार बटे कर्ण। अब जैसे जैसे थीटा का मान हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो कौन कम होता जा रहा है, आधार छोटा होता चला जा रहा है, उसके सापेक्ष कर्ण भी छोटा होता चला जा रहा है। तो हम यहाँ पे ये निर्णय नहीं कर पाएंगे, आप बस उसको याद रख लीजिए त्रिकोणमिति की जो टेबल है उसके अनुसार कि कॉस जीरो एक है और कॉस नब्बे जीरो है, तो इसका मतलब जीरो से कोण को जब हमने बढ़ाया तो कॉस का मान, कॉस थीटा का मान कम गया। चौथा सवाल ये कह रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों के लिए, तो बात सच है ये भाई, साइन साठ कितना होता है वर्गमूल तीन बटे दो, और कॉस साठ कितना होता है एक बटे दो, ये तो बराबर नहीं है। हाँ साइन पैंतालीस बराबर कॉस पैंतालीस होता है, क्योंकि साइन पैंतालीस एक बटे वर्गमूल दो, कॉस पैंतालीस भी एक बटे दो, उसके अलावा कोई कोण ऐसा नहीं है जिसके लिए साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होते हैं जीरो से नब्बे के। ये मैं बार बार जीरो से नब्बे क्यों कह रहा हूँ, ग्यारहवीं कक्षा में मैथ लोगे तब सी। ए बराबर जीरो पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ए बराबर जीरो पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, कॉट जीरो कितना होता है, कॉट जीरो बटे साइन जीरो, कॉट जीरो एक साइन जीरो जीरो, ये कैसा होगा अनंत, और अनंत कैसा होता है आप परिभाषित, और ये क्या कह रहा है परिभाषित, ये कह रहा है परिभाषित नहीं है, तो बात सही है अपरिभाषित है, तो सत्य है सत्य। आगे चलो इतना होता है।